हमारे दर्शकों को यह देखना बहुत जरूरी है। आपका पोस्टल डिपार्टमेंट, आपका पोस्टल डिपार्टमेंट आपके लिए कोरोना दूर करेगा। हमारे दर्शक इस खबर को देखें, अगले एक मिनट में मैं खबर दिखा रहा हूं, घड़ी मिला लें 4:22 या 23 मिनट पर। लेकिन उससे पहले डॉक्टर मिश्रा के पास। सर, आप एम्स के डायरेक्टर रह चुके हैं और एम्स में सबसे नीचे तबके का मरीज भी आता है और सबसे ऊपर तबके का भी। अगर इस वैक्सीन के स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो आपके हिसाब से कौन सी वैक्सीन ऐसी है जो एक नीचे से लेकर ऊपर तक वन फॉर ऑल साबित होगी? देखिए, हमारी जो भारत बायोटेक जो वैक्सीन बना रही है वो सबके लिए ऊपर से नीचे तक लागू होगी। ओके। बाकी चूंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेसिया पार्टनरशिप में कर रहे हैं, बना रहे हैं जी, वो भी हमको मिलेगी। स्पुतनिक रेडीज लैब कर रहे हैं, वो भी मिलेगी। फाइजर और मॉडर्ना दोनों वैक्सीन वो उसकी कीमत बता रहे हैं ज्यादा है, तो इसलिए हालांकि कीमत का आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है वैक्सीन का, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी सबको, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और सबको गवर्नमेंट देगी, बाकी किसी को अपना प्राइवेटली फाइजर की महंगी वाली लगा। मुझे क्या इसका वैसे ही कुछ, क्या वैसे ही प्रोग्राम होगा जैसे पल्स पोलियो, जैसे टीबी का प्रोग्राम भारत ने चलाया? बिल्कुल। उसके लिए फंड्स ईयरमार्क हो गए हैं और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को भी ये बात कही थी, आज फिर मीटिंग में यही बात कही है, राज्यों से तैयार रहने के लिए कहा है। हमारे पास सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन चेन इन प्लेस है, हमारे जो वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स, और पोलियो वैक्सीन जिस तरह से कामयाब हुई और हर वैक्सीन को 2 to 8 degree पर प्रिजर्व करते हैं, जैसे मीजल्स है, DPT है, सभी वैक्सीन अवेलेबल है। और डॉक्टर साहब, आपने क्योंकि जिक्र किया है लॉजिस्टिक्स का,